हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? वेलकम बैक इन माय चैनल। माय नेम इज़ सुशांत नवले और आपको पता ही कि मुझे घूमना बहुत पसंद है और मैं हमेशा डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे घूमना पसंद करता हूँ। और मेरे साथ आज है अतुल और इसे भी घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो आज का हमारा प्लान है धुरेश्वर टेम्पल, जो कि वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलो अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं धुरेश्वर के यहाँ। यहाँ आप देख सकते हैं इस गाड़ी के आगे, यहाँ पे वो टेंपल आप देख सकते हैं, वहाँ हम मैं और अतुल अभी जाने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। एक्चुअली फाइनली मेरा भगवान का दर्शन हुआ। मैं आपको जो अंदर का वीडियो तो इस वीडियो में डालता हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे आने के बाद क्विक भगवान का दर्शन मिला। नहीं तो हर बार मैं आता हूँ और मुझे बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े रह के तकरीबन 2-3 घंटे खड़े रह के भगवान जी का दर्शन लेना पड़ता है। तो नाउ फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ तो मुझे खुशी हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं रामलिंग, अभी हमने धुरेश्वर का दर्शन लिया है तो अभी हम जा रहे हैं रामलिंग। तो चलो चलते हैं रामलिंग। पता ना भूल गया कि यहाँ हर साल मार्च से मई तक एक यात्रा होती है और वो यात्रा बहुत बड़ी होती है। आपने जो ग्राउंड देखा अभी वहाँ पे पूरी तरह भरा होता है और तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट खुद ने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। देखो एक्चुअली ये तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ हम देखें तो उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब गवर्नमेंट इस क्षेत्र को ज़्यादा अनुदान और यहाँ की साफ सफाई करे तो फिर ये तीर्थ क्षेत्र पॉपुलर बन सकता है और इससे डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह कुछ प्लेसेस है
जिसे गवर्नमेंट ने खुद ध्यान देना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। पहले हमने धोलोबाग कंप्लीट किया, उसके बाद रामलिंग, और जाते जाते हम अलमपुर जा रहे थे तो तभी हमें दूसरा जैन मंदिर जो मैंने अभी बताया कि वो देखिए आप देख सकते, जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 24 न्यू यू नो टेंपल बनाए जा रहे हैं जो जैन तीर्थ क्षेत्रों के, तो एक कंप्लीट किया। अभी रेनफॉल थोड़ी आ रही है तो हम थोड़ा टाइम यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा टाइम यहाँ रुकेंगे, और जब रेनफॉल कम हो जाएगी तो हम अलम प्रभु को निकल जाएंगे, क्योंकि हम अभी आए हैं बाइक पे, जो आप ये देख सकते हैं पीछे ये बाइक पे आए, तो एक्चुअली रोड यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है, यानी यू नो क्वालिटी पुअर है, तो इसके वजह से हम थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे, और ये जब रेनफॉल कम हो जाएगा तो हम अलम प्रभु को जाएंगे, या फिर सपोज रेनफॉल ज़्यादा टाइम रहा तो उसके बाद हम वापस अपने घर को चले जाएंगे। तो चले देखते हैं, रेनफॉल इफ कंटिन्यू रहा तो हम वापस घर जाएंगे, और सपोज 5-10-15 मिनट बाद रेनफॉल कम हुआ तो उसके बाद हम अलम प्रभु को जाएंगे। तो चलो चलते देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन है जो बाजू में रेड में है उसे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं जब नई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो वो आपको पहले दिखेगा।